मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। अरे जारा, तुम यहाँ तैयार हुई हो और वहाँ आमिर जीनत को लेकर चले भी गए। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे चले गए? हाँ मॉम, मैंने उन दोनों को साथ जाते हुए देखा। हाय अल्लाह, ये तो कोई बात नहीं, अब कुछ कहोगी तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन अम्मी ये तो गलत बात है ना। यहाँ बेचारी नई नवेली दुल्हन साज धज कर तैयार है आमिर के साथ जाने के लिए, और आमिर मियाँ जीनत को लेके चलते बने। नहीं नहीं अम्मी, ये बहुत गलत है। चलो एक बार को मैं ये भी बात मान लूं कि आमिर के जहन में नहीं रहा होगा, लेकिन जीनत, जीनत तो अपने आप को बड़ा समझदार दिखाती है, फिर उसने ऐसी हरकत कैसे कर दी? ये तो गलत बात है अम्मी। देखिए, जारा सिर्फ उसकी बहन नहीं है अम्मी, अब तो जीनत की हर चीज पर, हर बात पर, हर हक में ये बराबर की हिस्सेदार है जीनत के साथ। तो फिर इस बेचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी कोई बात नहीं। अरे बेटा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। लेकिन जारा मेरी एक बात याद रखना, अपने हक का अगर ख्याल नहीं रखोगी ना, तो सामने वाले को वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा हक छीनने के लिए। बेटा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है कि अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो अल्लाह ना करे, आगे तो अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है। क्यों अम्मी? तुम चुप रहो, मैं आमिर से बात करूंगी। ठीक है। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, दरअसल मैंने ही उनको जाने के लिए कहा था। तुमने? दरअसल वो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई और मेरा सर भी दर्द कर रहा था, इसलिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने को, तो मैंने जीनत आपा से कहा कि वो ही चली जाए। अरे वाह, तुमने कहा और वो चली गई? देखो सारा झूठ मत कहो, जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी बात करने के लिए, तब तुम तैयार हो रही थी, बल्कि तुम चूड़ियां पहन रही थी। वो चूड़ियां मैं पहन थोड़े ही रही थी, वो तो मैं उतार रही थी। यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हाय अल्लाह, ये छोटी सी बुढ़िया भी अपना असर दिखा रही है। इसने बाप के कान को तेर लिया। अम्मी, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है अम्मी। दोनों बहनों में कितना फर्क है देखो, एक जारा है इतनी सीधी सादी भोली भाली, और जीनत, जीनत कैसी चालाकी दिखा रही है अम्मी। मेरे ख्याल से इस बात को और तूल नहीं देनी चाहिए, जो कुछ भी करना है ना, बहुत सोच समझ कर करना है, बहुत प्यार से, क्योंकि रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, इसमें दरार पड़ने में वक्त नहीं लगता। आप आइए। आपने क्या तकलीफ की? आपने मुझे बुलवा लिया होता। आमिर, जिंदगी में कभी ऐसे मौके आते हैं जहां माँ बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान तो हूँ मैं। परेशानी की वजह? इस घर का सुकून, इस घर की खुशियाँ। अम्मी, क्या हुआ इस घर की खुशियों को और सुकून को? वही तो समझाने आई हूँ। आज जो कुछ भी हुआ ना बेटा, वो ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ अम्मी? समझाना ही तो चाहती हूँ मैं। आज जो कुछ भी तुमने जारा के साथ किया, वो
ठीक नहीं किया। मैंने जारा के साथ? अम्मी जरा खुल के कहिए ना क्या बात है। एक नई दुल्हन जब आती है तो अपने दिल में हजारों ख्वाहिशें लेकर आती है जिन्हें वो अपने शौहर के साथ पूरा करना चाहती है, लेकिन शौहर ही सारे अरमानों को तोड़ दे तो बहुत तकलीफ होती है। आज जारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने जारा को तैयार होने के लिए कहा और जीनत को लेकर चले गए। क्या अम्मी, मैंने तो सिर्फ जीनत को तैयार होने के लिए कहा था, जारा के साथ बाहर जाने का तो मेरा इरादा ही नहीं था। क्या इरादा नहीं था? जारा तुम्हारी बीवी है, तुमने बाकायदा उसके साथ निकाह किया है। जारा के अरमान अरमान नहीं है क्या? जारा का तुम पर कोई हक नहीं है? बोलो आमिर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चुप क्यों हो? देखो बेटा, जीनत और जारा तुम्हारे जिंदगी के दो हिस्से हैं। इन दोनों को बराबर का हक देना होगा। इन दोनों की खुशियों में, इन दोनों के गम में तुम्हें साझेदार बनना होगा। तुम्हें जारा को अपने साथ बाहर ले जाना चाहिए था। जिन खुशियों को वो छूना चाहती है उसे जीनत पहले से महसूस कर चुकी है। अम्मी, आपकी कही हुई हर बात सच है, मगर ये भी तो सच है कि जीनत मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल है कि जब भी सोचता हूँ तो सिर्फ जीनत का चेहरा सामने नजर आ जाता है। अम्मी, मैं जीनत के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। तुम ये मत भूलना कि जारा तुम्हारी बीवी है। उसके साथ ताइंसाफी मत करना। इस घर की बहू है। जारा और जीनत दोनों बराबर हैं। नहीं अम्मी, जारा कभी जीनत की जगह नहीं ले सकती। आमिर, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस हकीकत को कबूल कर लो। जारा तुम्हारी बीवी है और इस घर की बहू है, और तुम उसके हक से उसे महरूम नहीं कर सकते। आमिर, हमारी सोच, हमारी चाहत हमारे फर्ज से बढ़कर नहीं हो सकती। जारा ने हमारे लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी किया है, कम से कम उसकी खातिर हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उसे किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था आमिर। आमिर प्लीज, इस वक्त में जारा के पास होना चाहिए, उससे जाकर बात करो आमिर प्लीज। सॉरी जारा। देखो जारा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ सकोगी। देखो, मैं जीनत के साथ ख्याल में भी कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करूं जिससे तुम्हारे दिल को जरा सी भी तकलीफ हो। आपको लगता है कि ये आंसू इसलिए हैं कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है? क्या आपको लग रहा है कि ये आंसू इसलिए बह रहे हैं कि आप मुझे मेरा अधिकार नहीं दे पा रहे हैं?
आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं जीनत आपा की जगह लेना चाहती हूँ? याद है आपको वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों जीनत आपा को बेहद प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं देखना चाहते, और सिर्फ इसीलिए हमने ये निकाह कबूल किया था? आप भूल गए अपने वादों को, पर मैं नहीं भूली। जारा जीनत से हमेशा छोटी थी और छोटी ही रहेगी। फिर ये आंसू? ये आंसू इसलिए है कि आपने मुझ पर शक किया कि मैं जीनत आपा की जगह लेना चाहती हूँ। सॉरी जारा, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज। नहीं चाहिए। प्लीज ले लो। एक आंख में थोड़ा सा आंसू है, उसे भी साफ कर लो प्लीज। के सपने भी देखे। मैं जारा आज अभी इसी वक्त अपने इस कल को और इस कल की सच्चाई को खुद सबको बता दूंगी। समय, मेरी जान क्या बात है? मॉम मुझे अकेला छोड़ दो। एक बेटा अगर परेशान हो तो उसकी माँ उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? समर, अम्मी। समर बेटा, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, तुम लाख बहाने बनाओ, लेकिन माँ के दिल को सब कुछ पता चल जाता है। मॉम आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी जान, तुम्हारी उदासी की दो ही वजह हो सकती। सबसे पहली वजह तो ये कि तुम हम सबको छोड़कर लंदन जा रहे हो इसलिए उदास हो, या फिर ओह कम ऑन मॉम, मैं पहले भी घर से दूर रह चुका हूँ, तब कभी परेशान नहीं हुआ, तो अब क्यों होने लगूंगा? फिर तो समर बेटा मुझे एक ही वजह नजर आ रही है, वो है प्यार या मोहब्बत में नाकामयाबी। देखो समर बेटा, अगर कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे ब्याह कर इस घर में लेकर आऊंगी दुल्हन बनाकर। एक बात याद रखना, एक माँ ही होती है जो बच्चों के आंसू पोंछती है। नाउ कम ऑन टेल मी, कौन है वो लड़की? समर चुप क्यों हो, कहो ना। ओफो गुल, तुम भी ना। अरे आज तक तुम्हारे लाडले ने कोई बात छुपाई है तुमसे? जो आज छुपाएगा, अगर उसे मोहब्बत हो गई है तो जरूर बताएगा तुम्हें। क्यों समर? लेकिन खाला, अब परेशान करना छोड़ो उसे, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है।
बीते हुए कल को हम आज में नहीं बदल सकते समर। बीते हुए कल को आज में बदलने की कोशिश मत करो। बीते हुए कल का दामन छोड़ने में ही सबकी भलाई है। थैंक्स बेबो। आपा, इसे कहाँ रखूं? जारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी जारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपा, शर्मिंदा तो आप मुझे करेंगी अगर आप इस बारे में कुछ और कहेंगे। अपनों की बात का अपने बुरा नहीं मानते। ये कपड़े वहां अलमारी में रख दो, मैं आमिर के लिए नाश्ता बना देती हूँ। जी आपा। हाँ मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मेरा शर्ट दे दो। और मेरी पैंट और मेरी बेल्ट, मेरा टाई। May I come in? आमिर बेटा, मुझे क्या पता था कि ये अब कुछ कहोगे तो बुरा मान जाओगे, लेकिन खैर छोड़ो, मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि आमिर बेटा तुम नाश्ते में क्या खाओगे? पुप्पी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? जीनत ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होगी ना? हाय अल्लाह आमिर बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन बेटा बचपन से तुम इन्हीं हाथों से खाना खाते हुए आए हो। अब जल्दी से बता दो क्या खाओगे? जी कुछ भी। अरे कुछ भी कैसे बेटा, तुम्हारे पास तो इतनी चॉइस है। अब मेरा मतलब है पराठे खाओगे, टोस्ट खाओगे, ऑमलेट खाओगे, सैंडविच खाओगे? जी टोस्ट। टोस्ट तो बेटा बटर के साथ या जैम के साथ? जी बटर के साथ। बटर के साथ। और हाँ देखो, ये तो भूल ही रही थी मैं, जूस कौन सा पियोगे, ऑरेंज या मौसम्बी? आई थिंक आमिर बेटा तुम्हारे लिए दोनों मिक्स करवा देती हूँ, मारा मारी बनवा देती हूँ। ऑरेंज भी और मौसम्बी भी, है ना? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। वैसे भी आमिर बेटा जो मजा दो में है वो एक में कहाँ।